हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका जो नाइट्रेशन होता है वो किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में होता है। सो नेचर किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। सो नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। और यहां पर क्या होता है, जनरेशन होती है किसकी, NO2 पॉजिटिव। क्या है ये, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन ये क्या होता है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। सो नाइट्रेशन ऑफ aromatic compounds is electrophilic in nature and involves the attacking electrophile, that is NO2 positive nitronium ion. So nitronium जो हमारा nitration है इसके mechanism को हम study करेंगे। यहाँ पर हम consider करते हैं nitration benzene का, nitration के mechanism को हम समझते हैं, किसको consider करके, nitration benzene का, nitration of benzene with nitric acid sulfuric acid mixture. क्या होगा यहां पर, कंसिडर कर रहे हम नाइट्रेशन बेंजीन का किसके साथ, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर जनरेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की। सो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। सो हमारे पास क्या है, HNO2 HNO3 प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यहां से किसकी जनरेशन होगी, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी। NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, जनरेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 पॉजिटिव। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुई, जनरेशन हुई इलेक्ट्रोफाइल की। सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन आयन की। सो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन आयन। कार्बोकेटायन आयन यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटायन जो आयन है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो किस तरह से होगी, ये क्या है, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग है ये, प्लस में NO2 पॉजिटिव। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से, पॉजिटिव एच और यहां पर NO2। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और ये वाला स्टेप स्लो है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS। क्या है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा NO2 पॉजिटिव है नाइट्रोनियम आयन का, क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है नाइट्रोनियम आयन किस पे, एरोमेटिक रिंग पे। तो सेकंड स्टेप में क्या हुई, कार्बोकेटायन आयन की फॉर्मेशन हो गई है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें अब इससे मिलेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो ये H है, हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटोन है, ये क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा हमारे इस प्रोटोन का। सो ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन to yield the final product, to yield the final product। ये जो हमारी aromatic ring है इससे जो ये proton है इसका transfer हो जाता है और हमें final product obtained हो जाएगा। positive, यहाँ पर ये hydrogen है, ये NO2 है, तो यहाँ से इस proton का क्या हो जाएगा, transfer। प्लस में क्या है यहाँ पर, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर फाइनली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी,
नाइट्रो बेंजीन की और प्लस में H2SO4। तो ये था हमारा फाइनल स्टेप। यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग टू यील्ड द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, H था हमारा, प्रोटॉन था, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, H इसके साथ कंबाइन हो गया HSO4 नेगेटिव के साथ, किसकी फॉर्मेशन होगी, H2SO4 प्लस में नाइट्रोबेंजीन। सो ये था मैकेनिज्म किसका, नाइट्रेशन का। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जब भी हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे नाइट्रेशन के, तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, दैट इज NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन है। और जो नेचर है इस मैकेनिज्म का वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो नाइट्रेशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की, दैट इज नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटायन आयन की, यहाँ पर जो हमारी एरोमेटिक रिंग है प्लस में NO2 पॉजिटिव, फिर यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकेटायन आयन की, यहाँ पर H और यहाँ पर NO2। यहाँ पर क्या हो गया, जो नाइट्रोनियम आयन है वो इंट्रोड्यूस हो गया किस पे, एरोमेटिक रिंग पे। उसके बाद क्या होगा, जो ये प्रोटोन यहाँ पर अटैच था इसका ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, और फाइनली हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाएगा। प्लस में HSO4 नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसी ये वाला जो प्रोटोन है जो H है कंबाइन हो जाएगा, HSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस में नाइट्रोबेंजीन दैट इज एरोमेटिक रिंग पे NO2 ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और ये हमें ऑप्टेन हो गया। सो ये तो मैकेनिज्म किसका, नाइट्रेशन का।